ये है गाइज Realme की Watch 3 Pro 3 का अपग्रेडेड वर्जन एंड आज हमारे पास रिटेल बॉक्स आज का है। प्रोडक्ट को अनबॉक्स करेंगे, सारी डिटेल जांचेंगे एंड बताएंगे कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं आपके फेवरेट पार्ट से जो कि प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स कंटेंट एंड क्या कुछ पैकेजिंग मिलती है। ये है Realme Watch 3 Pro की पैकेजिंग, आपको वॉच यहाँ पे दिख रही है। Realme की ब्रांडिंग दी गई दोनों साइड एंड पीछे की तरफ कुछ की फीचर हाईलाइटेड है एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल मिल जाएगी। तो गाइज कुछ यूनिक काइंड ऑफ चार्जर यहाँ पे देखने को मिलता है, एक यूजर मैनुअल, फाइनली आपकी स्मार्ट वॉच। पैकेजिंग वाइज आपको एक लंबा सा बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे अलग अलग सेक्शन इनसाइड बनाए हुए हैं। वॉच आपको मिल जाएगी, चार्जिंग केबल एंड एक बुकलेट, सिर्फ ये तीन चीजें। ये सारी चीजें आपको बॉक्स में के अंदर मिलती है। प्रोडक्ट के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, फिजिकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, तो आपको एक वॉच मिल जाती है काफी अच्छे डिस्प्ले के साथ। साइड में जो मेटल यूज हुआ है वो ग्लोसी एंड शाइनी है, प्रोडक्ट दिखने में काफी अच्छा दिखता है, बट जो थिकनेस है ना वो थोड़ी इंक्रीज यहाँ पे है। और क्या कुछ आपको मिलेगा, तो राइट साइड में आपको बटन मिलता है जो मेन्यू बटन की तरह यूज करेंगे एंड उसके साथ में आपको माइक्रोफोन दिया हुआ है। लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिलती है एंड उसके नीचे आपको सेंसर मिल जाएंगे, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करें तो स्ट्रैप भी सिलिकॉन का है, बट जो क्वालिटी है वो प्रीमियम है, आप रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एंड काफी फ्लेक्सिबल ये स्ट्रैप है। 22mm के स्ट्रैप यहाँ पे दिए गए हैं Realme की वॉच 3 Pro में। तो ओवरऑल जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफी इंप्रेसिव वॉच का आपको लगेगा, एक प्रीमियम वॉच आपने पहना है, इवन दो वॉच आपके अंदर 5000 पीस आती है। फीचर फंक्शन वाइज हम पहले बात करेंगे इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की, क्योंकि एमोलेड पैनल मिलता है ना। Realme की वॉच 3 Pro आती है 1.78 इंचेस के एक एमोलेड पैनल के साथ, जिसमें दिया गया 368x448 की पिक्सल डेंसिटी, पिक्सल रेजोल्यूशन एंड 500 निट्स की ब्राइटनेस। Realme बोलता है कि 50-60 FPS पे ये आपकी वर्क करेगी, जैसे कि इस फोन में होता ना लाइक 120 FPS GHz पे डिस्प्ले वर्क करते, तो उस टाइप का यहाँ पे फीचर फंक्शन दिया गया। व्यूइंग एंगल वॉच के काफी अमेजिंग है, AOD आपको मिलेगा थैंक्स टू एमोलेड पैनल एंड चाहे आप वॉच को इंडोर चेक करें आउटडोर चेक करें, मस्त आपको एकदम अमेजिंग डिस्प्ले क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। मैंने टेस्ट आउट किया एंड आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख ही रहे होंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात करें तो वो भी आपको काफी बेटर मिलती है, वॉच कहीं भी आपको लैग होती हुई नजर नहीं आएगी। AOD के बारे में बात करें तो AOD को आप कंट्रोल कर सकते हैं, दो बेसिकली यहाँ पे आपको AOD स्क्रीन दी हुई है, एक आपको नॉर्मल स्क्रीन मिल जाती है जिसमें एनालॉग वॉच आप यूज कर सकते हैं, दूसरी एक डिजिटल वॉच के रूप में इसको यूज कर पाएंगे। दोनों के दोनों स्क्रीन काफी अमेजिंग है एंड कुछ वॉचेस का ड्रॉबैक होता है कि AOD के साथ वो रेस टू वेक का ऑप्शन नहीं इनेबल हो पाता, बट ये आपको वो फीचर काफी बेटर एंड बहुत ही बेहतरीन ढंग से देती है। जो सेंसर की क्वालिटी ना वो टॉप आपको मिलती है, आप वॉच को जैसे प्लेस करेंगे टेबल वगैरह पे तो AOD ऑन हो जाएगा, उठाएंगे तो वॉच की डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, तो वो फीचर मुझे काफी पसंद आया। उसके अलावा टाइम वगैरह आप सेट कर सकते हैं AOD का, किस टाइम से आपको किस टाइम तक करना है। उसके अलावा Realme की वॉच 3 Pro आपको 110 स्पोर्ट मोड देती है विद GPS, तो आप अपना फोन को घर पे छोड़ के जा सकते हैं रनिंग जॉगिंग में, जो कि काफी अच्छा है एंड वो यूजर जो इस फीचर के लिए तड़प रहे थे, तो फाइनली गाइस Realme ने वो फीचर आपको दे दिया है इस बजट में। वॉच एक कॉलिंग वॉच है तो डेफिनेटली कॉल फंक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, एंड कॉल फंक्शन के अलावा आपको वॉच में डायल पैड का ऑप्शन मिलता है एंड आपको 10 कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हैं। बट एक चीज मुझे हमें ड्रॉबैक लगा, इवन दो कॉन्टैक्ट आपके फोन में सेव है बट वॉच पे वो नंबर नहीं दिखाएगा। मैंने दो तीन नंबर के साथ ट्राई आउट किया एंड सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी। आई होप Realme ये चीज फिक्स कर सकता होगा कुछ अपडेट के साथ। अपडेट वॉच में आया था, मैंने अपडेट किया भी है बट कुछ इंप्रूवमेंट मेरे को देखने के लिए नहीं मिली। कॉल क्वालिटी वाइज बात कर लेते तो जो कॉलिंग क्वालिटी है ना वो मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे मिलता है AI फॉर नॉइस कैंसिलेशन एंड कॉल का सैंपल यहाँ पे है। Realme वॉच 3 Pro के माइक्रोफोन से कुछ आपको इस टाइप की साउंड यहाँ पे सुनाई देगी, आप कमेंट करके मेरे को साउंड क्वालिटी बता सकते हैं। तो आई होप गाइस कॉल सैंपल आपने चेकआउट कर लिया होगा एंड जो कॉल की क्वालिटी है वो भी आपको पसंद आई होगी। तो 5000 के नीचे आने वाली जो स्मार्ट वॉच है ना, सबसे बेस्ट यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल क्वालिटी Realme की वॉच 3 Pro आपको प्रोवाइड करती है। रही बात हेल्थ सेंसर वाइज, तो हेल्थ सेंसर वाइज आपको तीन सेंसर देखने के लिए मिलेंगे, एडिशनली ब्रीथ का ऑप्शन मिलता है, तो हार्ट रेट, SpO2 एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग आपको
ये वॉच प्रोवाइड करती है। एक्यूरेसी वाइज तीनों के तीनों सेंसर आपको बेहतरीन मिलते हैं, मैंने सभी चीज़ें टेस्ट आउट की हैं एंड जो रिजल्ट हैं तीनों के वो आपको एग्जैक्टली सेम मिलते हैं। जो ऑक्सीमीटर मेरे पास था वो आपका हार्ट रेट एस्पीओ2 तो माप सकते हैं बट स्ट्रेस नहीं माप पाएगा, बट स्ट्रेस का डेटा भी सेम था। तो हार्ट रेट वाइज अगर बात करें तो आप रिजल्ट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोनों के दोनों इवन जो ऑक्सीमीटर है या वॉच है वो सेम है। इवन दो सेम गोज विद ऑक्सीजन 98-99 दोनों में सिमिलर शो कर रहा है एंड वॉच आपका 24 आवर मॉनिटरिंग के साथ आते हैं तो वो फंक्शन भी आप इनेबल कर सकते हैं। स्ट्रेस वाइज जो डेटा था वो 42-43-44 के अराउंड था एंड स्टिल ये एक नॉर्मल डेटा है एंड मुझे काफी अच्छे लगे सेंसर। सेंसर वाइज बेस्ट स्मार्ट वॉच में बोल सकता हूँ ये रियलमी की वॉच 3 है। उसके अलावा आपको IP60 एयर मिलता है जो कि अंडर 1.5 मीटर वाटर सर्वाइव कर सकता है, तो आप इसको अगर स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं तो वो आप यूज कर पाएंगे, वॉच को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UI वाइज बात कर लेते हैं, UI आपको काफी स्मूथ एंड सिंपल मिलेगी। आपको बटन दिया गया है राइट साइड में जो कि आप मेन्यू का एक्सेस कर पाएंगे, बट जो होम स्क्रीन है वहां पे आप स्वैप करेंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, आपको एप्लीकेशन के शॉर्टकट मिलेंगे बट ऐड एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं है। जैसे मेन्यू में जाएंगे आपको ऊपर से नीचे स्वैप करना होगा एक एक करके जो डेटा वगैरह वो चेक करने के लिए, जो फीचर वगैरह चेक करने के लिए, एंड UI आपको अगेन काफी स्मूथ एंड सिंपल मिलेगी। उसके अलावा एडिशनल फीचर की बात करें तो AOD का आपको मिल जाता है, वेदर का आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया जो फोन से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, कैलकुलेटर का ऑप्शन मिसिंग है, वुमेन हेल्थ फंक्शन यहाँ पे दिया गया है तो वुमेन्स अगर यूज कर रहे हैं इस वॉच को तो इनेबल कीजिए आपकी एप्लीकेशन से एंड ये वॉच आपको डेटा वगैरह आपका प्रोवाइड करती रहेगी। देन आपको यहाँ पे स्टॉप वॉच टाइमर वैसे फीचर्स फंक्शन मिल जाते हैं विद इवेंट रिमाइंडर एंड स्टैंडरी रिमाइंडर आपको मिल जाएगा देखने के लिए इस वॉच में, जो कि आप डेली यूजेज में यूज करते रहेंगे एंड आपको बेनिफिशियल भी लगेगा। उसके अलावा DND जैसा फीचर फंक्शन है जो आप टाइम सेट कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, जो आपको वॉच को साइलेंट करने में हेल्प प्रोवाइड करेगा। बैटरी बैकअप वाइज अगर बात करें तो वॉच आपको दे सकती है 10 डे का बैटरी बैकअप विद 2.5 घंटे चार्जिंग टाइम। चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है एंड नॉर्मल यूज की बात करो विद कॉलिंग फंक्शन तो 3 दिन का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है 10 डे का विदाउट कॉलिंग है। तो पहले बात करते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी, तो एक कैलकुलेटर का ऑप्शन यहाँ पे हो सकता था, क्विक रिप्लाई यहाँ पे मिसिंग है, देन आपको BP वाला सेंसर दे देते तो और बेहतर यहाँ पे हो सकता था। तो ये 3-4 चीजें हैं जो वॉच में मिसिंग है। बात करते हैं बढ़िया क्या लगा वॉच में, तो बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी, डिस्प्ले, यूजेस, UI सब कुछ यहाँ पे आपको अमेजिंग मिलता है। जो हेल्थ सेंसर है वो आपको काफी अच्छी तरह से वर्क करते हुए मिलेंगे। उसके अलावा बैटरी बैकअप भी रिसेंट है एंड आपको AOD एंड एमोलेड का यहाँ पे साथ मिल जाता है, तो वॉच काफी अच्छी है। आप डे टू डे लाइफ में इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वॉच फेसेस की बात करूं तो आपको 150+ मिल जाते हैं, काफी कमाल के वॉच फेसेस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं जो आप इनेबल कर सकते हैं, इवन दो आपको एनिमेटेड वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। वॉच तो मेरे को काफी पसंद आई, आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ एंड अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।